कैसे हैं आप सब दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एस क्यू एल लैंग्वेज ठीक है ये पहला वीडियो है मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से हम सीखना शुरू करेंगे माई एस क्यू एल या एस क्यू एल लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको एस क्यू एल का एस भी नहीं पता ठीक है मतलब आप बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में हैं और आपको एस क्यू एल बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है ज़ीरो लेवल से ठीक है तो इसमें आपको पहले बेसिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि मैं यहाँ एस की कोडिंग स्टार्ट करूँ ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले ये एस है क्या ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ठीक है दोस्तों ये एक ऐसी भाषा है एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल उस सॉफ्टवेयर में किया जाता है जो कि सर्वर में डेटा को मैनेज करता है ठीक है अभी इस समय डिस्प्ले पर स्क्रीन पर आप जिस सॉफ़्टवेयर को देख रहे हैं जो यूज़र इंटरफेस आपके सामने है ये वही सॉफ्टवेयर है जो कि आपको सर्वर में दिया जाता है किस चीज़ के लिए यूज़र्स आपकी वेबसाइट के थ्रू जो डेटा फिल कर रहे हैं जो डेटा डाल रहे हैं उस डेटा को मैनेज करने के लिए ठीक है दोस्तों ये वो सॉफ्टवेयर है लेकिन इस सॉफ्टवेयर को चलाने के दो तरीके हैं पहला ग्राफिकली जैसा कि हम लोग क्लिक करके काम कर सकते हैं हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिलेगा हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर बटन मिलेगा जिस पर क्लिक करके हम अपना काम कर सकते हैं कोई भी क्वेरी लगानी है कुछ भी सर्च करना है कुछ भी देखना है कुछ भी डिलीट करना है अपडेट करना है मॉडिफाई करना है ये सारे काम बटन्स के थ्रू क्लिक करके हम कर सकते हैं दूसरा दूसरा तरीका है इस सॉफ्टवेयर में एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू कमांड दे करके ये सभी चीज़ें करना तो यहाँ पर हम दोनों तरीक़ों से सीखेंगे बट मेरा मेन मकसद है आप लोगों को कोर में बिल्कुल कोर में जो एसक्यूएल लैंग्वेज है वो सिखाना ठीक है दोस्तों कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है बहुत आराम से सीखेंगे और मैं आपको एक कंप्लीट एसक्यूएल लैंग्वेज में सिखा दूंगा ठीक है दोस्तों आगे काफ़ी एडवांस लेवल तक हम जाएंगे बट उससे पहले बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं ब्लैंक स्क्रीन है अभी हमारे सामने ये सभी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ देखिए दोस्तों यहाँ पर आप एस का एक टैब देख रहे हैं मेरे कर्सर के साथ अगर आप अपनी नज़रें लेकर के जाएं और मैं इसे थोड़ा सा जूम इन अगर आपके लिए करूं तो इतना बहुत रहेगा तो यहाँ पर आप देखें एस लिखा हुआ है मैंने इस पर अभी क्लिक किया आप देख सकते हैं कि मैं एस वाले इस पेज में हूँ ये वो पेज है जहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो लाइन बढ़ रही है तो यहाँ बेसिकली हम एस क्यूएल लैंग्वेज में कोड करते हैं ठीक है यहाँ पर हम अपना एस क्यूएल का कोड लिखते हैं प्रोग्राम लिखते हैं ठीक है दोस्तों डेटा बेसिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हम अपने सभी जो डेटा बेसिस के जो कलेक्शंस हैं एक्शन हैं उन चीज़ों को हम देख पाएंगे इसमें अभी नहीं जाएंगे काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे साइड में देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है इंफॉर्मेशन स्कीमा जे बी एस एच माई डी बी माई एस क्यू एल परफॉर्मेंस स्कीमा एस वाई एस ये सब क्या है ये सब पहले से बने हुए डेटा बेस हैं ठीक है थेके? कुछ चीज़ों को समझिए एक होता है डेटा बेस राइट डेटा बेस एक होता है टेबल इन दोनों में अंतर क्या है एक डेटा बेस के अंदर टेबल होती है हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा एक डेटा बेस के अंदर टेबल होती है ना कि टेबल के अंदर डेटा होता है डेटा के अंदर अनगिनत टेबल हो सकती हैं आप चाहो तो एक यूज़र के लिए उसकी पर्टिकुलर एक टेबल बना सकते हो और अगर आपकी वेबसाइट में दस हज़ार यूज़र हैं तो दस हज़ार टेबल भी हो सकती है और अगर आपकी वेबसाइट में दस लाख यूज़र हैं तो दस लाख टेबल भी हो सकती है आपकी वेबसाइट में अगर एक करोड़ यूज़र हैं तो एक करोड़ टेबल्स भी क्रिएट की जा सकती हैं ये सभी काम डायनेमिकली भी किए जा सकते हैं वो PHP लैंग्वेज का यूज़ करके हम आगे सीखेंगे PHP MySQL में फिलहाल हम SQL लैंग्वेज सीख रहे हैं सिर्फ SQL लैंग्वेज सीख रहे हैं यहाँ पर कहीं भी PHP का इस्तेमाल नहीं होगा नंबर वन ठीक है तो सबसे पहले अब क्या करना होगा जब हमें ये पता चल गया है कि एक टेबल डेटाबेस के अंदर होती है तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या आती है कि एक डेटाबेस का होना ज़रूरी है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारे लिए ये है कि हमारे पास एक डेटा का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर डेटा ही नहीं होगा तो टेबल कैसे क्रिएट की जाएगी सही कहा ना तो सबसे पहले एक डेटा बनाना सीखते हैं कि एस लैंग्वेज में एक डेटा कैसे बनाया जाता है राइट चलिए देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप आ चुके हैं और अभी आप यहाँ साइड में डेटा के आप नंबर देखिए जितने भी डेटा है उसमें ये पहले से बने हुए डेटा है अभी हम अपना खुद का एक डेटा बनाएंगे जो कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा ठीक है आपको यहाँ पर ऐड होने के बाद वो तो दिखेगा तो पहले हम यहाँ पर नोट कर करेंगे कितने डेटा बेस हमारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हमारे पास टोटल सिक्स डेटाबेस यहाँ पर मौजूद हैं ठीक है ये जो न्यू नाम का कीवर्ड है ये नए डेटा को क्रिएट करने के लिए इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप नया डेटा क्रिएट कर पाएंगे ठीक है तो इस पर हम क्लिक नहीं कर रहे हैं ये जो प्लस का साइन आप जिन जिन के सामने देख रहे हैं सिर्फ ये डेटा है राइट यहाँ पर आपने किसी भी डेटाबेस को डिलीट नहीं करना है जो बाय डिफॉल्ट आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलेंगे उनको आपने डिलीट नहीं करना है ठीक है जो बाई डिफॉल्ट मिल रहे हैं वो ये सॉफ्टवेयर खुद अपने काम के लिए इस्तेमाल में ले रहा है उनको आपने डिलीट नहीं करना है ठीक है जो डेटा आप खुद क्रिएट करेंगे अपने सिर्फ उनको डिलीट करिएगा अभी हम एक डेटा क्रिएट करेंगे तो चलिए सबसे पहले डेटा क्रिएट करने के लिए हमें क्या कोड लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले तो हमने क्रिएट करना है ना बनाना है तो उसके लिए इसमें क्रिएट कीवर्ड ही दिया गया है डायरेक्ट बहुत आसान लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज है तो मैं लिखूँगा क्रिएट भाई क्रिएट करने के लिए क्रिएट की का यूज़ कर रहा हूँ इससे ज़्यादा आसान क्या होगा मतलब मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना है हाँ प्रोग्रामिंग का मतलब आप बिल्कुल ही अलग तरीके से समझोगे ठीक है तो मैंने लिखा क्रिएट मैं थोड़ा और जमीन आप लोगों के लिए कर देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखाई दे ठीक है तो मैंने डेटा क्रिएट करना है तो मैंने कहा क्रिएट क्या क्रिएट करना है मुझे डेटा क्रिएट करना है ना कि डेटा ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा डेटा database और डेटा बेस मतलब एक से ज़्यादा डेटा क्रिएट करने के लिए और एक डेटा बेस क्रिएट करने के लिए सिर्फ डेटा बेस नॉर्मल इंग्लिश की बात है यार जनरल परपज़ लैंग्वेज के रूल्स हैं ये तो आपको आते होंगे तो मैंने लिखा क्रिएट डेटा मैंने इसको भी इतना बताया है कि क्रिएट डेटा एक डेटा बनाना है मुझे मैंने मेरी ज़रूरत इसको यहाँ सिर्फ इन दो शब्दों से बताई है इसको बताया है कि क्रिएट डेटा एक डेटा बना दो लेकिन अब ये मुझसे पूछ रहा है कि डेटाबेस का नाम क्या रखना है डेटाबेस के बाद हमें डेटाबेस का नाम बताना होता है तो मैं कोई भी नाम अपनी मर्जी से दे सकता हूँ लेकिन नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं कुछ सेट ऑफ़ रूल्स हैं यहाँ व रूल्स क्या हैं अगर आपने कोडिंग की है पहले तो आपको पता होगा कि जैसे हम कोडिंग में वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं दोस्तों तो वहाँ क्या होता है कि जैसे कि मान लो जावा में जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ किसी भी लैंग्वेज में आप मान मान के चलिए तो आप मान लीजिए कोई वेर मान करके वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लेटर्स हैं समझ रहे हैं मान लो मेरे पास एक वेरिएबल का नाम है लच्चे मैं लिख देता हूँ यू ठीक है यू मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ यू नाम से तो या तो मैं यू को एक साथ लिखूँ ठीक है मैं उसके बीच में स्पेस नहीं दे सकता स्पेस दूंगा तो क्या होगा यू नाम से तो वेरिएबल बन जाएगा और ट्यूब नाम का ये जो वर्ड आगे स्पेस के बाद आएगा ना ये एक एरर बन जाएगा ठीक है ये ब्लैंक स्पेस बीच में एक एरर है अब इसके दो तरीके हैं या तो मैं इसमें अंडरस्कोर दे दूं स्पेस भी आ गया और दोनों वर्ड आपस में जुड़ भी गए अब सिंटेक्स भी सिंटैक्स का जो रूल था वो भी फॉलो हो गया तो ये वैलिड सिंटेक्स है अब या फिर मैं कैमल केस का यूज़ कर लूँ भाई दोनों शब्द को मुझे अगर थोड़ा अलग अलग दिखाना है तो राइट right? लेकिन मैं स्पेस नहीं दे सकता ये आपको पता होगा कि नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करने का रूल है तो सेम वही रूल यहाँ पर भी आता है ठीक है जब आप डेटा बेस क्रिएट करेंगे तो आप इस तरह की गलतियाँ नहीं कर सकते हैं आपको कुछ वेरिएबल्स जैसे आप वहाँ क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग में वैसे ही यहाँ आपको क्रिएट करने हैं ठीक है थेके? तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ हमारा एस क्यू एल अब देखिए एस क्यू एल जैसे ही मैंने लिखा इसने इसको पर्पल कलर में कर दिया है ये क्यों किया क्योंकि ये एक रिज़र्व की वर्ड है और यहाँ पर इसका ऑटो कम्प्लीट हमें दिखा भी रहा है तो हम ओनली एस क्यू एल तो नहीं लिख सकते हैं इतना हमें पता है कि कोई भी रिजर्व कीवर्ड हम कभी भी यूज़ में नहीं ले सकते हैं राइट ये तो हमें बेसिक प्रोग्रामिंग के रूल्स में ही सिखा दिया जाता है बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं तो अब हम इसमें कुछ थोड़ा सा और ऐड कर देंगे लाइक अंडरस्कोर जैसे मैंने लिखा तो इसने उसको ब्लैक कर दिया अब ये समझ गया कि कोई नाम लिख रहा है तो अब मैं लिख दूंगा कि एस क्यू एल ट्यूटोरियल्स ओके ट्यूटोरियल्स राइट एस क्यू एल ट्यूटोरियल्स सेमी कॉलन के साथ इसको टर्मिनेट करना है सेमी कॉलन ये बताता है कि आपका एक लाइन मतलब कि आपका जो कोड है वो कंप्लीट हो गया है आप इसको चाहो तो मल्टीपल लाइंस में ब्रेक भी कर सकते हो ये कोई एरर नहीं है एस क्यू एल में ठीक है लेकिन सेमी कॉलन जरूर लगाना है लास्ट में वो ये बताने के लिए होता है कि आपका कोड यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है इससे आगे आपका कोड नहीं है ये ख़त्म यहाँ पर ठीक है सेमी कॉलन तभी लगाना है जब आप पूरा क्वेरी एक बारी में लिख दें जब आप पूरा एस अपना लिख दें आगे जा कर के आपके एस की लेंथ भी बढ़ेगी इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेमी कॉलन हर बार लगाएंगे डेटा के बाद भी लगाएंगे और फिर बाद में लगेंगे नहीं ये देखिए एरर हो जाएगा सेमीकॉलन सिर्फ एक ही बार लगेगा चाहे आप कितनी भी बार इस टेबल को मल्टीपल लाइन्स में तोड़ लो ठीक है सिर्फ एक ही बार वो भी लास्ट में लगेगा ये बात का ध्यान रखना है ये रूल्स हैं मैं साथ के साथ बताता हुआ चल रहा हूँ आप लोगों को बस तो मैंने कहा यहाँ पर सिर्फ़ एक लाइन में बहुत अच्छे से मैंने क्या कहा इसको फिर से समझ लीजिए क्रिएट डेटा बेस एस क्यू एल टूटोरियल्स ओके यहाँ साइड में देखिए एस क्यू एल टूटोरियल्स के नाम से कोई भी डेटा बेस मौजूद नहीं है फिलहाल छः डेटा बेस हैं एक सातवां डेटा बेस बनने जा रहा है जिसका नाम होगा एस क्यू एल टूटोरियल्स ठीक है ये डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड है बहुत अच्छे से याद कर लीजिए किसी बुक में नोट कर लीजिए ठीक है दोस्तों अब करना है डेटाबेस बनाने के लिए हमें स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ देखिए गो का एक बटन दिया हुआ है गो का एक बटन आपको विजिबल होगा जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ जो भी आप छः डेटा देख रहे हैं यहाँ पर एक सेवन्थ डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा एस क्यू ट्यूटोरियल्स चलिए फिर डेटा क्रिएट करते हैं तो मैंने गो पर क्लिक किया और देखिए माई एस प्यू एल रिटर्न एन एम टी रिजल्ट यानी कि यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर का एक टिक आ रहा है जो कि बता रहा है कि आपका डेटा बेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है ये क्वेरी आपकी सक्सेसफुली चल गई है और इसने चलने में कितना टाइम लिया जीरो पॉइंट वन जीरो वन एट सेकेंड्स ठीक है मिली सेकेंड्स में ये क्वेरी आपकी रन हो गई और अब ध्यान से देखिए ये देखिए एस क्यू एल टूटोरियल्स नाम से अब एक डेटा बेस है यहाँ पर और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो ये मुझे कह रहा है नो टेबल्स फाउंड इन डेटा बेस मुझे आपके डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं मिली मतलब कि अब अगर हमें इस डेटा बेस में डेटा ऐड कराना है तो टेबल्स बनानी होंगी ठीक है मैंने आपको बताया था ना कि डेटा के अंदर टेबल होती है ना कि टेबल्स के अंदर डेटा ठीक है तो अब एक डेटा हमने बना लिया इसमें हम चाहें जितनी अनगिनत टेबल बना सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है हमारे ऊपर समझिए आप इस बात को ठीक है और आप चाहें तो डेटाबेस भी अनगिनत बना सकते हैं आपकी नीड पर डिपेंड करता है वो सब ठीक है तो वो सब आगे हम सीखेंगे कि कैसे मैनेज करना है इन सब चीज़ों को पर मैं आपको फिलहाल बेसिक रूल्स बता रहा हूँ तो यहाँ पर अभी हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है हमने सीख लिया कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है अब इसके बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इस डेटाबेस के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ पर ये यह मुझे बता रहा है कि कोई टेबल इसको नहीं मिली आपका डेटाबेस बिल्कुल खाली है एक टेबल बनाइए ये मैनुअल तरीका यहाँ बता रहा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू मुझे बता रहा है कि टेबल का आप कोई भी नाम दे दीजिए जो आपको नाम देना है और उसमें ये बता दीजिए कि आप कितने कॉलम्स रखना चाहते हैं और फिर क्रिएट के बटन पर क्लिक करके टेबल बना लीजिए लेकिन मैंने इससे कहा कि मुझे इस तरीके से टेबल नहीं बनाना है मुझे एस से बनाना है ये बाद में सीखेंगे तो मैं चलता हूँ वापस से यहाँ एस पर क्लिक करता हूँ मैंने क्या किया मैंने ऊपर थ्री बार्स पर क्लिक किया और फिर यहाँ देखिए ऑप्शन आ गए सारे क्योंकि मैंने जूम इन किया हुआ है इसलिए मुझे थ्री बार्स पर क्लिक करना पड़ा अगर आप जूम आउट रखेंगे कुछ इस तरीके से तो आप डायरेक्ट आपको ऊपर ही दिखाई दे जाएगा ठीक है तो आपको यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा तो मैं क्या करूंगा एस क्यू एल पर वापस से क्लिक कर दूंगा अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ ऊपर क्या लिखा आ रहा है रन एस क्यू एल क्वेरीज क्वेरी और क्वेरीज ऑन डेटा बेस एस क्यू एल टूटोरियल्स ये बात ध्यान देने वाली है ये हमें बता रहा है कि आपने अभी क्लिक करके कौन सा डेटा बेस सिलेक्ट किया हुआ है यानी कि अब अगर आप यहाँ इस इस टेक्स्ट uh, एडिटर में जो भी एस का कोड लिखेंगे वो किस डेटाबेस पे लागू होगा वो किस डेटाबेस पर चलेगा ठीक है ये यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि रन एस क्यू एल क्वेरी और क्वेरीज़ ऑन डेटा बेस एस क्यू एल यानी कि आपने जो एस क्यू एल नाम से डेटाबेस बनाया हुआ है यहाँ पर लिखी गई एक एक एस क्यू एल क्वेरी आपके इस डेटा बेस पर अप्लाई की जाएगी ठीक है तो सबसे पहले आपने ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि सही डेटाबेस सेलेक्ट किया हो ऐसा नहीं है कि आपने काम करना था स्किल ट्यूटोरियल पर और आपने ध्यान दिया नहीं कि डेटाबेस आपने कोई और ही सिलेक्ट किया हुआ था तो वैसे में सारा काम गलत हो जाएगा और ये डेटाबेस का काम है यहाँ पर आपके आने वाले समय में जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे प्रोडक्शन में आप काम करेंगे तो लाखों करोड़ों यूज़र्स का डेटा भी हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है तो आप उसके साथ मजाक नहीं कर सकते हैं ठीक है तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपने अब हम क्या सीखेंगे अब हम सीखेंगे कि एक डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट की जाती है ठीक है तो चलिए टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है हमें क्या लिखना है हमें लिखना है क्रिएट क्रिएट करना है किसी भी चीज़ को तो हम क्रिएट लिखेंगे चाहे वो डेटाबेस हो या टेबल हो तो मैंने लिखा क्रिएट तो पहले हमें डेटाबेस लिखना था तो हमने क्या लिखा था कि क्रिएट डेटाबेस एक डेटाबेस बनाओ अब हमें क्या करना है अब हमें एक टेबल बनानी है तो हम क्या लिखेंगे क्रिएट टेबल राइट तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल बहुत आसान है यार बहुत सिंपल है अब उसके बाद हमने क्या किया था वहाँ पर हमने डेटा का नाम दिया था सेम हम यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ टेबल का नाम देंगे और उसके बाद हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी इस डेटा में तो आप अपनी मन मर्ज़ी से कोई भी नाम यहाँ टेबल का दे सकते हैं बट रिमेंबर वो एक रिज़र्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ पर एक टेबल का नाम दे देता हूँ यूज़र्स नाम से या फिर यूज़र यूज़र यहाँ पर एक की वर्ड रिज़र्व की दिखा रहा है तो यूज़र्स कर देते हैं हाँ यूज़र्स जो है वो रिज़र्व कीवर्ड नहीं है लेकिन अब आप डायरेक्ट एंटर आ, सेमी कॉलम से सेपरेट करके आप गो नहीं कर सकते क्योंकि वो एक एरर आएगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैं रन करके दिखा देता हूँ मैं गो पर क्लिक करता हूँ देखिए मुझे एक एरर आ गया मैंने आपको पहले ही बताया था एक एरर आएगा एरर वर फाउंड ड्यूरिंग एनालिसिस ठीक है एट लीस्ट वन कॉलम डेफिनेशन वॉज एक्सपेक्टेड ये क्या कह रहा है कि एक जो टेबल होती है ना दोस्तों वो टेबल कभी भी खाली नहीं हो सकती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेबल का नाम दे दिया और टेबल बना ली आपको उसमें कॉलम के नाम देने होंगे एक एक्सेल शीट देखा है आपने एक्सेल शीट को देखा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा एक्सेल शीट दिखाता हूँ मैं आपको ज़रा ध्यान से देखिए मैं आपको बड़े अच्छे से समझाना चाहता हूँ चीज़े। ये चीज़ें ये देखिए हमारे सामने एक्सेल इस वक्त ओपन हो गया है तो ये क्या है ये जो चल रहे हैं ए बी सी ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये कॉलम है ठीक है और ये वन टू थ्री ये जो मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ ये रोज़ हैं ठीक है टॉप से बॉटम की तरफ ये जो मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ ये मैं रोज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ और ए से लेकर के मैं यहाँ अल्फ़ाबेटिकली जितना भी सेलेक्ट कर रहा हूँ ये सारे मैं कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ ठीक है तो रो और कॉलम समझ आया आपको तो ये चीज़ हमसे कह रहा है कि बिना कोई कॉलम के आप एक टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हो आपका टेबल सेम इसी तरीके से दिखेगा जैसे एक, एक एक्सेल शीट दिखता है ठीक है जैसे कि आप इसमें काम करते हैं ठीक वैसे ही काम करेंगे ठीक है तो यहाँ पर रूल क्या कह रहा है कि एटलीस्ट एक कॉलम यहाँ पर होना चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट एक कॉलम की है मैक्सिमम अनलिमिटेड है मैक्सिमम आप चाहें जितने कॉलम यहाँ दे सकते हैं तो चलिए कॉलम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा पैरेंथेसिस का यूज़ करना होगा ठीक है ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ये चाहें तो आप टेबल के नाम के साथ जोड़ के रख सकते हैं एक स्पेस भी दे सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं यहाँ पर इसको अटैच करके रखता हूँ ठीक है अब आप इसको ब्रेक कर सकते हो बीच में से कोई दिक्कत नहीं है ये ब्रेक करने का कोई रूल नहीं है मैं बस अपनी सहूलियत के लिए ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आए इसलिए इसको ब्रेक कर रहा हूँ इस तरीके से लिख रहा हूँ ठीक है आपका मन करे तो आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो तो अब उसने क्या कहा था कि एक टेबल बनाना एक कॉलम बनाना बहुत ज़रूरी है तो मैं एक कॉलम यहाँ पर बनाऊँगा एक्चुअली दो कॉलम बनाऊँगा ठीक है तो मैं क्या स्टोर कराना चाहता हूँ मैं कहता हूँ कि यार यूज़र का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे स्टोर कराना है ठीक है आगे जाके हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हम बहुत सारी डिटेल्स यूज़र की फिल कराएंगे ईमेल आईडी फ़ोन नंबर और उन पर क्वेरीज uh, भी लगाना सीखेंगे बट फिलहाल हम बेसिक्स में हैं तो हम बहुत थोड़े से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है थीके? तो मैं कहता हूँ कि फ़र्स्ट अंडर नेम मुझे फर्स्ट नेम रखना है ठीक है उसके बाद हमें बताना होगा कि इसका टाइप क्या होगा मतलब हम फर्स्ट नेम नाम से जो कॉलम बना रहे हैं मैं आपको यहाँ बताता हूँ यहाँ ये यह देखिए मान लीजिए ये वो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट अंडर स्कोर नेम नाम से एस क्यू एल हमारे एक्सेल में तो इसका टाइप क्या होगा इसमें किस तरीके का डेटा स्टोर होगा ठीक है मतलब कि लेटर्स में डेटा स्टोर होगा या डिजिट्स में डेटा स्टोर होगा या फिर डेटा जो होगा वो फ्लोटिंग नंबर्स में होगा यानी कि मान लीजिए जैसे कि टेन पॉइंट एलेवन इस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट्स में डेटा होगा तो डेटा किस तरीके से हम किस तरीके से स्टोर होगा किस तरीके का डेटा होगा हमारा डेटा की टाइप क्या होगी तो वो हमें बताना होगा ठीक है कि डेटा हमारा क्या है नंबर है लेटर्स है या फ्लोटिंग पॉइंट में है या फिर लेटर्स और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है ठीक है तो ये अब बड़ा ध्यान से देखेगा तो मैं कह रहा हूँ कि यार फर्स्ट नेम में मुझे लेटर्स रखने हैं तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा वेयर कैर वेयर कैर वेरिएबल कैरेक्टर ठीक है वेयर कैर तो ठीक है कैरेक्टर टाइप में यहाँ डेटा होगा अब इसके पैरंथीसिस में हमें ये बताना है कि उसकी लेंथ कितनी होगी कितना डेटा वो डाल सकता है एक कॉलम में फिर से एक्सेल में चलते हैं बताता हूँ मैं आपको इसको डिलीट कर देता हूँ मान लो ये फर्स्ट नेम नाम से हमारा वो एक कॉलम बन गया अब मैं कह रहा हूँ इसके नीचे एक नाम की लेंथ कितनी हो सकती है मैं कहता हूँ मेरा नाम है लेट से मोहित पाँच इसमें लेटर्स आ रहे हैं ठीक है एम ओ एच आई टी पाँच लेटर्स आ रहे हैं तो इसकी लेंथ कितनी हुई पाँच हुई ठीक है फाइव इसकी लेंथ हुई फाइव इसकी लेंथ है क्योंकि इसमें पाँच कैरेक्टर्स हैं ठीक है मैं कहता हूँ अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूँ कि पाँच से ज़्यादा स्टोर नहीं करने ठीक है पाँच से ज़्यादा स्टोर नहीं करने दस से ज़्यादा नहीं करने तो वो इसकी एक लिमिट हो जाएगी कि उससे ज़्यादा इस एक पर्टिकुलर कॉलम में इस एक पर्टिकुलर सेल में आप स्टोर नहीं कर सकते डेटा ठीक है तो वो लिमिट हमें बतानी है कहाँ बतानी है इसके पैरेंथीसिस में वेयर केयर के पैरेंथीसिस में कि कितने से ज़्यादा आप एक इस सेल में स्टोर नहीं कर सकते तो मैं कहता हूँ कि यार एक फर्स्ट नेम कितना बड़ा हो सकता है किसी इंसान का कोई पच्चीस करेक्टर का तो फर्स्ट नेम किसी का हो नहीं सकता ठीक है फर्स्ट नेम और सर नेम मिला करके तो हो सकता है बट सिर्फ फर्स्ट नेम किसी इंसान का इतना बड़ा नहीं हो सकता कि उसके लिए हमें 255 सौ पचपन कैरेक्टर देना पड़े तो हम यहाँ पर एक बहुत नॉर्मल सा मैं 25 फाइव करेक्टर रख देता हूँ नहीं तो जनरली लोग 15 रखते हैं लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी 25 रख देता हूँ ठीक है यानी कि पच्चीस कैरेक्टर तक आप स्टोर कर सकते हो पच्चीस ठीक है ठीक है मैं बता देता हूँ ऐसे कि इस तरीके से कुछ पच्चीस कैरेक्टर मैक्सिमम लिमिट होगी स्टोर करने की एक सेल में इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप स्टोर ठीक है तो ये मैंने यहाँ पर इस पैरेंथिस के थ्रू बता दिया आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा इसके बाद आपने कोमा देना है और कोमा आपने तभी देना है जब आप कोमा के बाद कोई दूसरा इस तरीके का स्टेटमेंट लिख रहे हो अगर आप सिर्फ एक ही कॉलम बना रहे हैं तो कोमा देने की ज़रूरत नहीं है तो कोमा बिल्कुल भी नहीं देना है ठीक है तो मुझे दूसरा भी बनाना है तो मैं यहाँ लिखूँगा लास्ट नेम सेम तरीका है हमारा लास्ट नेम और ये भी हम बैर कर रखेंगे ठीक है सेम रहेगा हमारा वेरिएबल कैरेक्टर वेयर केयर ठीक है और इसको भी मैं पच्चीस दे रहा हूँ मैक्सिमम लिमिट और हम ऊपर कोमा लगा देते हैं फर्स्ट नेम के बाद अब लास्ट नेम के बाद मैं कोई और यहाँ पर कॉलम नहीं बना रहा हूँ तो मैं कोमा नहीं लगाऊंगा और फाइनल जो हमारी मेन पैरेंथिसिस थी हमारी टेबल के नाम से जो थी अब उसके बाद हम उसको टर्मिनेट कर देंगे सेमी कॉलन से यहाँ सेमिकोलन हम लगा देंगे तो इसका मतलब मैंने अभी अभी क्या किया ये कोड क्या काम करेगा रन होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोड क्या करेगा कि दो कॉलम बना देगा एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम करके ठीक है इस तरीके से आपको दो कॉलम शो हो जाएंगे जैसे अभी आप एक्सेल शीट में देख रहे हो एग्जैक्ट ऐसी एक एक्सेल शीट टाइप में आपके सामने एक टेबल बन जाएगी तो अब क्या करेंगे कोड को रन करने के लिए कोड हमारा देख लिया सिंटेक्स सही है स्ट्रक्चर सही है सब चीज़ें हमने फॉलो करी है नीचे जाएंगे और ये का बटन रहा हमारा और इस पर हम क्लिक कर देंगे सक्सेसफुली हमारा कोड रन हो गया और आप देख सकते हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स के अंदर अब एक टेबल दिखाई दे रही है थोड़ा ध्यान से देखिए प्लस करके नीचे आए तो आप देखिए यूजर्स नाम से टेबल दिखाई दे रही है मैं यूज़र्स पर से क्लिक करूँगा तो क्या होगा आप देख सकते हो मुझे दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जब मैं इसमें डेटा स्टोर कराना शुरू करूँगा तब मुझे ये इस तरीके से यहाँ पर सेल दिखाई देंगे ठीक है तो अभी मैंने दो कॉलम बना लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के नाम से यूजर्स नाम की टेबल में अब मैं इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकता हूँ तो आइए देखते हैं डेटा कैसे स्टोर होगा तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हमने डेटा बनाया उसके बाद हमने उसमें टेबल क्रिएट करा टेबल क्रिएट करना हमने सीखा और टेबल क्रिएट करने के बाद दोस्तों हमने उसमें दो कॉलम भी बनाए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इन कॉलम्स में डेटा किस तरीके से ऐड कराना है आज आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए इतना कोड अच्छे से अपने अपने आप से रन करने की कोशिश कीजिए कोई एरर आता है कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं मैं रिप्लाई दूंगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डी कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा ठीक है दोस्तों तो ये टूटोरियल को आप सेव कर लीजिए इस प्ले को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एस लैंग्वेज और सीखने के लिए तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि इन कॉलम्स में डेटा कैसे स्टोर कराना है वैल्यूज़ कैसे डालनी है राइट right? सो so, इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में